भ्रष्टाचार के आरोपी सत्येंद्र जैन, जिन्हें अरविंद केजरीवाल भगत सिंह बताते हैं, पहले उनको उनका जेल में रेप के आरोपी से मालिश कराता वीडियो सामने आया। आज जेल के भीतर पैक किया हुआ पौष्टिक आहार लेते हुए नया वीडियो सामने आ गया। जो सत्येंद्र जैन कह रहे थे कि जेल में खाना ठीक से न मिलने से उनका वजन घट गया है, जेल की तरफ से दावा हुआ कि मंत्री जी का वजन तो बढ़ गया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की मालिश का वीडियो देखा। सत्येंद्र जैन की आराम तलबी और सुख सुविधाओं की तस्वीरें भी देखी। अब सत्येंद्र जैन की डाइट का एकदम ताजा वीडियो सामने आया है। बाहर से होटल का खाना खाते दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बाकायदा टमाटर, गाजर, खीरे की सलाद ले रहे हैं। वीडियो 13 सितंबर की शाम करीब 4 बजे का है। सीसीटीवी वीडियो में सत्येंद्र जैन खाना खाते नजर आ रहे हैं। गाजर, टमाटर, केला और धीरे धीरे सत्येंद्र जैन पूरी थाली साफ कर देते हैं। लेकिन जैन का खाना यहीं खत्म नहीं होता, वो एक झोला खोलते हैं और झोले से केला निकालकर खाने लगते हैं। इस वीडियो में कमरे में बिस्लरी का पूरा कैरेट नजर आता है, यानी पूरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट। अब एक और वीडियो देखिए, तारीख 1 अक्टूबर, समय 4:18 पर। यहाँ भी जैन की थाली सलाद से भरी नजर आ रही है, साथ ही दो डिब्बे में भी खाने के कुछ सामान है। खाने के पैकेट से साफ लग रहा है कि ये जेल का नहीं बाहर का खाना है। अब तीसरा वीडियो देखिए, तारीख 3 अक्टूबर, समय 1:41। सत्येंद्र जैन यहाँ कॉपी का पन्ना पलट रहे हैं और सामने रखे हैं 6 टमाटर और संतरे। अब वीडियो को आगे देखिए, 3 अक्टूबर दोपहर 2:07, सत्येंद्र जैन अपना झोला फिर से निकालते हैं और इस बार झोले से बाहर निकलता है ड्राई फ्रूट से भरा डब्बा। सत्येंद्र जैन की डाइट को लेकर डाली गई अर्जी पर आज सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई थी, जिससे ठीक पहले ये वीडियो जारी किए गए। अर्जी में सत्येंद्र जैन ने कहा था कि उन्हें तिहाड़ प्रशासन की ओर से ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, 5 महीने से उन्होंने अन्न का दाना नहीं खाया। 5 महीने में उनका 28 किलो वजन कम हुआ है, लेकिन तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक जैन का वजन तो 8 किलो बढ़ गया है। वहीं उपवास की बात पर सत्येंद्र जैन कोर्ट में भी फंस गए। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि जब वो ईडी की कस्टडी में थे तब उनका वजन 103 किलो था, अब उनका वजन 75 किलो रह गया है। इस पर जज ने कहा कि आप खुद फास्ट रख रहे हैं तो वजन तो कम होगा ही, आपने खुद ही कहा है कि आप 6 महीने से फास्ट पर हैं। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि जेल प्रशासन उनके उपवास से जुड़ी जरूरी डाइट नहीं दे रहे हैं। वहीं जेल प्रशासन ने कहा कि सत्येंद्र जैन की डाइट में पोषण की कोई कमी नहीं है। सत्येंद्र जैन की ओर से दलील दी गई कि उपवास के हिसाब से उनकी डाइट में 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मिक्स बीज, 2 अखरोट होने चाहिए, एक निश्चित प्रोटीन की जरूरत है। तो वहीं तिहाड़ जेल के वकील ने कहा कि जेल में पहली बार कोई फास्ट नहीं है। अब कोर्ट ने मामले में तिहाड़ प्रशासन से कल तक जवाब मांगा है। वहीं वीडियो लीक को लेकर भी कोर्ट सख्त है। ईडी ने साफ किया है कि उनकी ओर से वीडियो लीक नहीं हुआ है। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।